जी अस्सलाम वालेकुम। न्यायालय अफराद को अहल करने का बिल्कुल नया तरीका आज लेके आ चुका हूँ। ना ही कोई अपील का वेब पोर्टल आया है और ना ही आएगा, क्योंकि अब हुकूमत चेंज हो चुकी है। अब आपको BISB ऑफिस वाले भी अहल नहीं कर सकते, ये मेरी बात याद रखना। किसी वेब पोर्टल पे कंप्लेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कैसे आप लोग अहल हो सकते हैं, मैं आपको प्रूफ दिखाऊँगा, क्योंकि प्रूफ के बगैर लोग यकीन नहीं करेंगे कि ये वीडियो फेक है। आप चंद व्यूज़ के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक देख लें, 1 से 2 मिनट की वीडियो है, लेकिन YouTube पे और लोगों की मिन्नतें करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसास ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपील वेब पोर्टल के इंतज़ार करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक खवातीन को कैसे अहल करवाया है, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने मुझे आज ही एक SMS सेंड किया है। 4 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक वेब पोर्टल आपको बताया था जो हुकूमत की तरफ से एक रियल वेब पोर्टल था, लेकिन उसमें भी बहुत से दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए हैं कि ये वेब पोर्टल ठीक नहीं है, इससे हम अहल नहीं हो सकते। लेकिन आज 2 हफ्ते बाद मेरे सब्सक्राइबर को एक मैसेज आया है इंग्लिश में, जो आप इस वक्त स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। 9100 से इसको मैसेज आया है और उसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। प्यारे शहरी, BISP से रब्ता करने और अपनी तशवीश बताने का शुक्रिया। ये नोट किया गया है कि आपका फ्रेम करदा CNIC इसास कफालत इसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम में चेक किया गया है और इसे अहल के तौर पर पाया गया है। नए NSER सर्वे के दौरान किसी घराने के मेंबर की फ्रेम करदा मालूमात की बुनियाद पर BISP के नकद फवैद के लिए इसकी अहलियत का तहीन BISP बोर्ड के मंजूर करदा अहलियत के मेयार के मुताबिक किया जा सकता है। लिहाजा ये मुतला किया जाता है कि इसास एमरजेंसी और इसास प्रोग्राम के जांच पड़ताल के आपके घरानों को अहल करार दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये अपील की थी, एक वेब पोर्टल मैंने आपको बताया था जिसका लिंक अभी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इस पर मैंने 2 हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी, तो अभी इसका रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत से लोग अहल होना स्टार्ट हो चुके हैं। अपील के वेब पोर्टल का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें, अपील का वेब पोर्टल अब किसी भी सूरत में नहीं आ सकता, क्योंकि मैडम सानिया ने इस्तीफ़ा दे दिया है जो प्रोग्राम को हैंडल कर रही थी। यह प्रूफ आप लोगों ने देख लिया है, तो यह आपने अपील कैसे करनी है सारी डिटेल से मैंने वीडियो पहले से बनाई हुई है, जिसका लिंक 1st comment और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस वीडियो को देख के अपने आप को अहल करवा सकते हैं। अगर वीडियो आपने पूरी देखी होगी तो उम्मीद है आप गलत कॉमेंट्स नहीं करेंगे। Thanks for watching.